ऐसी गैदरिंग है मैं कभी हाजिर ना होता, मेरे इन लफ्जों से आपके दिलों को तकलीफ पहुंची होगी, इस पे भी माजरत करता हूँ। लेकिन जहाँ रसूल अल्लाह की वफादारी की बात आएगी, जहाँ रसूल अल्लाह की गुलामी की बात आएगी, सुभान अल्लाह, सबसे पहले नबी की जात, सुभान अल्लाह, सबसे पहले रसूल अल्लाह, बेशक, इस पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं, कोई इस पर रियायत नहीं। मैं इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाता हूँ, चूंकि हमारे मुल्क की एक नामवर शख्सियत यहाँ तशरीफ फरमा है, सियासी तौर पर एक बड़ा नाम बैठे, मैं उन्हें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आपकी हुकूमत ने जुल्म किया है, इंसाफी की है, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पर पाबंदी लगाकर इन्होंने गलत फैसला किया है, ये ना इंसाफी है। राइट है हर किसी का कि वो मैदान में आए और आपके साथ मुकाबला करें, और जिसको अवाम पसंद करे वो मुंतखब हो। बहरहाल ये एक अलग मैटर है, मैं एहतजाजन माजरत के साथ एहतजाजन इस महफिल को छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे पता होता मैं इस महफिल में कभी ना आता, मैं अपने भाइयों से माजरत करता हूँ, मुझे दुख हुआ मैं इस एहतजाज पर कि मैं किसी ऐसी शख्सियत के साथ नहीं बैठना चाहूँगा जो उस हुकूमत का हिस्सा हो जिन्होंने नबी के चाहने वालों के साथ वफा नहीं की, मोहब्बत नहीं की, उनके साथ ये लोगों ने ये फेल किया। मैं एहतजाजन इस महफिल को छोड़कर जा रहा हूँ और माजरत करता हूँ अपने दोस्तों से, अगर मेरे इस एक्ट से आपको तकलीफ हुई तो मैं माजरत का हूँ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि या रसूल अल्लाह मुहम्मद व आला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। वाह जी वाह, सुन ला भाई गुजर जी।